ओम शांति। आज 18 जून 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख हैं 18 जनवरी 1995। मुरली का सार हैं। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुबह 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनाते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं। वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे, शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया ऐसा अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है ना? पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना? बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साथी रत्न जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो, नशा है ना? तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी यानी सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, यह हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्होंको अभी ही मिल जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही हैं।
तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछुड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा तीन प्रकार के लोग तीन प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो तीन प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर हैं। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशय स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव करने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हैं लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है उन्हों को विशेष मुबारक हैं, मुबारक हैं। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई लेकिन प्यार से उठाई है, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है। और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुना मदद भी है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना, जिन्होंने हॉल को सजाया। वो कहाँ हैं? ये मुन्नी पार्टी हैं।
देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुँचने की मुबारक हैं और माताओं को पदम गुना मुबारक हैं। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना, मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर वन सर्वेंट है तो बाप हैं। बाप तो सदा सेवाधारी हैं, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक हैं। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइट माइक सभी को मुबारक। टीचर्स से आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं। अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है, फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना ये है ही समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर के विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार हैं। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा।
और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे, ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो शायद। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बन कर दो और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तब बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी, और मालिक क्या कहता है? नहीं ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कितनी भी कॉपी करें रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है। इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट हैं और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर वन है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं। इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय के। अच्छा तलहटी वाले भी मौज में आ गए ना, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे
तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है। बड़ी बात तो नहीं लगती, खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती हैं। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहाँ काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ यानी ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही आते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल के आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतना जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छी है कि अच्छा है? देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसे है ना? अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, आज का वरदान है, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर, परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमज़ोर संकल्प की जाल को समाप्त कर, परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। विश्लेषण है, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। यह जाल
क्वेश्चन के रूप में होती हैं। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती हैं। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएगी। आज का स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के समीप प्यार का अनुभव कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति।